जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जल जीवन मिशन के अधिकारियों के साथ योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में बैठक की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जल जीवन मिशन की कार्यशाला की जा रही है, जिसमें सभी कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, ब्लॉक व तहसील के सभी अधिकारीगण के द्वारा पानी की टंकियाँ जो जनता के पेयजल के लिए बन रही है, तकनीकी रूप से क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या सावधानी बरतनी है, गुणवत्ता किस तरह से परखना है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। पहली बार इस तरह का वर्कशॉप कॉन्ट्रैक्टर के साथ किया जा रहा है। इसके साथ ही सभी कॉन्ट्रैक्टर को चेतावनी भी दी जा रही है कि गुणवत्ता में किसी तरह की कमी ना की जाए। अगर किसी के कार्यों में या गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। शासन द्वारा 1500 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि जल जीवन मिशन में दी गई है। प्रयास है कि हर घर तक पीने के पानी की सुविधा को पहुंचाया जाए, जिसको पूरा करने के लिए 2 सालों का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, हम लोग यहाँ पे जो रिव्यू मीटिंग है उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो टैंक बन रहा है उसका स्टार्टिंग पॉइंट से डीपीआर बन जाता है, उसके बाद में जो सोइल टेस्ट है वो वहाँ पे स्टार्ट होता है। ये लेआउट है, ये हम लोग का लेआउट है। इसमें कोई भी डायरेक्शन में जहाँ पे सन का सोर्स मिलता रहे इसलिए इसको फिक्स डायरेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा स्टाफ क्वार्टर और पंप हाउस और सारा ये जो है कि गेट के पास जो हर एक ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। नेक्स्ट, ये मौके पर जो सॉइल टेस्ट हो रहा है उसकी स्थिति है, डाउट में कि यहाँ पर ओवरहेड टैंक बनना है, वहाँ पर सबसे पहले सॉइल का टेस्ट किया जाता है कि ओवरहेड टैंक के स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, अगर मिट्टी जरा डाउनफॉल होने का खतरा बना रहता है इसलिए इसको पहले से ही टेस्ट किया जाता है। इसका मानक है कि 8 मेट्रिक टन से इसका स्ट्रेंथ कम नहीं होना चाहिए। अधिकतर गोरखपुर के जितने भी जगह हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उसमें मान के चलिए कि 8 से ऊपर ही आता है। हम लोग जो टेस्ट करते हैं वो 10-11 इसके राउंड में होता है, इसलिए हमारे पास इस पूरे गोरखपुर जनपद में कहीं कोई स्ट्रेंथ का इशू नहीं आएगा। हम लोग लेकिन फिर भी अपने एहतियात के लिए हर एक योजनाओं पे सॉइल टेस्ट करा करके ही ओवरहेड टैंक का निर्माण कराते हैं। नेक्स्ट, ये मतलब मेथड होता है कि 50 फीट नीचे से सॉइल का सैंपल कलेक्ट किया गया है, उस सैंपल को फिर आगे टेस्ट किया जाता है जिससे सॉइल की स्ट्रेंथ निकाली जाती है, वो लैब में भेजा जा रहा है। नेक्स्ट, ये स्टेटस चार्ट है कि सॉइल का क्या क्या आने के बाद ही वहाँ पर काम शुरू होता है, नहीं तो हम लोग राख फाउंडेशन के बजाय पाइप फाउंडेशन भी देते हैं। ऐसा मतलब स्पेसिफिक है कि टोटल अपने ग्राम पंचायतों में 1-2 विलेज में ही पाइप फाउंडेशन बनते हैं। ये पीसीसी के बाद का फुटेज है, पीसीसी कंप्लीट करके उसके बाद इसके ऊपर हम बढ़ते हैं। ये चीजें मतलब मौके पर दिखाई देती हैं, यहाँ लेवल पर हम विंडो निर्धारित करते हैं, उसके बाद से इसके ऊपर बढ़ते हैं। एक तरफ से बढ़ रहा है, 2 लेवल तक जा करके यहाँ पोजीशन आता है। नेक्स्ट, ये उसका फुटेज है कि इसके रिइंफोर्समेंट बार लगा के प्रॉपर इसको कंप्लीटिंग किया जाता है, जिसके आधार पर एनसीसी के लोग कहाँ हैं और एनसीसी जवाब देगा, एनसीसी के प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ आइए, जवाब दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट परियोजना है, 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहा है। आज यहाँ पे जल जीवन मिशन की कार्यशाला की जा रही है, जिसमें सभी कॉन्ट्रैक्टर्स, सभी इंजीनियर्स, सभी हमारे ब्लॉक के और तहसील के कर्मचारी अधिकारीगण, उनके समक्ष ये पानी की टंकियाँ जो बन रही हैं, पेयजल योजनाएं जो बन रही हैं, उसमें तकनीकी रूप से क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सावधानी बरतनी है, गुणवत्ता कैसे परखना है, इसके बारे में बताया जा रहा है। पहली बार इस तरह की कॉन्ट्रैक्टर्स की वर्कशॉप हो रही है और ये उनको चेतावनी भी दी जा रही है कि कोई गुणवत्ता में समझौता किया तो उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई
की जाएगी। और जो अभियंता और थर्ड पार्टी एजेंसी और हमारे ग्राम में डिमांड जनरेशन के लिए जो संस्थाएं लगी हैं उनको भी इसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, शासन द्वारा 1500 करोड़ से ज़्यादा धनराशि हमारे जनपद के लिए दी गई है, जिसमें हर एक घर तक पीने के पानी की सुविधा हम लोग उपलब्ध कराना है अगले 2 सालों में। ये एक योजना को हम लोग बहुत प्राथमिकता से संचालित करा रहे हैं और अनुश्रवण कर रहे हैं। इसी कड़ी में इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।